કેમ છો મજામાં? ભાઈ લોગ થંબનેલ દેખ કર તુમ લોગ સમજ હી ગયે હોયેંગે કી આજ કિસ ટોપિક પે બાત હોયેંગી। ન્યૂઝ મે દિખાયા જા રહેલા કી ગોલ્ડી બરાડ ને નીરજ ભવાનિયા કી ધમકી કા જવાબ દિયા। જવાબ ભી ક્યા દિયા તો સુનો બીડુ। સોશિયલ મીડિયા કી માને તો ગોલ્ડી બરાડ ને નીરજ ભવાનિયા કો પલટવાર મે જવાબ દેતે હુએ કહા હૈ કી ક્યા હુઆ તેરે દો દિન કા। ન્યૂઝ ઓર સોશિયલ મીડિયા કે મુતાબિક गोल्डी बराड ने आगे यह भी बोला कि अपुन को जो करना था अपुन ने करके दिखाया। तुम लोग सिर्फ धमकी दे सकते हो, कुछ नहीं होएगा तुमसे। बिड़ू ऐसी अफवाहें चलती है और ऐसी अफवाहें समाज में गंद फैला सकती है। गोल्डी ने पलटवार में जवाब दिया, इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी भी हम बात करेंगे, मगर उससे पहले गोल्डी बराड की कुंडली देख ली। बिड़ू गोल्डी बराड पंजाब के मुक्तसर में जन्मा, बापू पंजाब पुलिस में था, छोकरा बना गैंगस्टर। डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई से यारी हुई और लॉरेंस के साथ अपराध की पटरी पे छुक्कू छुक्कू करके चलने लगा। जब गोल्डी को लगा कि पंजाब पुलिस कभी भी अपुन का पुंगी बजा सकती है, छोकरा फर्जी पासपोर्ट से कनाडा का अल्टी मार ली, बस तब से गोल्डी ने कनाडा में रहते हुए तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ओवरटेक किया। लॉरेंस के वास्ते फिरौती मांगना, नए नए छोकरे भर्ती करना, हत्याएं करवाना, ऐसे सारे गैरकानूनी काम गोल्डी बराड देखता है। और इसी गोल्डी ने मूसेवाला की मौत का अध्याय भी लिखा। खैर अब मेन मुद्दे पे बात करें तो भाई लोग सिद्धू की मौत के बाद गोल्डी बराड नाम की एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि गोल्डी ने सिद्धू को मरवाया। फिर दिल्ली की नीरज भवानिया गैंग ने सिद्धू के हत्यारों को दो दिन में मौत के घाट उतारने का दावा किया। फिर पंजाब की दविंदर बम्बिहा गैंग ने सिद्धू का बदला लेने का दावा किया। भाई लोग ये सारी बात सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे हुई है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट के जरिए धमकियां दी गई थी, मगर बीड़ू तुम लोग ने ये नोटिस किया कि ये सारी धमकियां देने वाला कोई ऑफिशियल बंदा नहीं था, सिर्फ पोस्ट थी। अब इन सारी पोस्ट की सच्चाई भी सुन लो। भाई लोग नीरज हो, गोल्डी हो, बम्बिहा गिरो या लॉरेंस हो, ये सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जिनके पास एक अच्छी फैन फॉलोइंग है। अब इन गैंगस्टरों के बारे में जब सोशल मीडिया पे सर्च करोगे तो एक ही गैंगस्टर के नाम से हजारों आइडिया मिल जाएंगे। और इतनी सारी आईडी कोई एक बंदा तो नहीं चलाता होएगा। इसका मतलब है कि ये सारी आईडी इन गैंगस्टरों से जुड़े छोकरे लोग या इनके फैंस चलाते होंगे। अब बताओ, नीरज भवाना के नाम से जो आईडी थी उस आईडी से धमकी आई, अब उस आईडी को चलाने वाला नीरज भवाना तो नहीं होएगा, ये तो आप लोग भी जानते हैं। ऐसा ही बम्बिहा गिरो की धमकी में हो सकता है, लॉरेंस या गोल्डी की धमकी में भी हो सकता है। कहने का मतलब इन गैंगस्टरों के नाम से जितनी आईडी है और वहां से जो धमकी दी जा रही है उन धमकियों में कोई सच्चाई नहीं दिख रही। इन पोस्ट का एक ही काम है, सोशल मीडिया पे गंद फैलाओ, गैंगवॉर जैसा माहौल पैदा करो। अब जो दावा किया जा रहा है कि गोल्डी बराड ने नीरज भवानिया को पलटवार में जवाब दी, ये बात भी टोटल गलत लगती है। रे मामा, लास्ट में अपन एक ही बात करेंगे कि इन गैंगस्टरों के नाम से जितनी भी आईडी है उन आईडी पे जो पोस्ट होती है उन पे भरोसा मत करो, क्योंकि आईडी को चलाने वाला कोई और ही होता है, जिनको इन गैंगस्टर से कोई लेना देना नहीं होता, ना क्राइम से। बस इन गैंगस्टरों के फैंस होते हैं तो उनके नाम से आईडी बनाकर चलाते हैं। अगर किसी पे भरोसा करना है तो पुलिस के बयान पर करो, ना कि सोशल मीडिया पर। अब आप ही बताओ मेरी बात में कितनी सच्चाई। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।